हिमालय के आगोश में आसमान छूते दरख्त बाहें फैलाए सुस्वागतम मौन अभिवादन, नित अटखेलियां करती स्वच्छ जलराशि का भंडार, मेहनत का हाथों की थाप सुनाता भारत के मानचित्र पर सतत विकास की इबारत लिखता निरंतर कदम बढ़ाता एक प्रदेश, ये हिमाचल है। प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रदेश का आभूषण है। सरल सहज विकास के लिए सदैव तत्पर यहाँ के निवासी हिमाचल की शान है। आज हिमाचल देश के विकास का पर्याय बन गया है। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए प्रत्येक हिमाचलवासी ने संघर्ष भरा सफर तय किया। आज हिमाचल सभी क्षेत्रों में निरंतर उन्नति कर रहा है। ये विकास जन जन को आने वाले सुनहरे कल और सुखद वर्तमान का आभास देता है। इस स्वर्णिम आभा की नींव वर्षों पूर्व हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने रखी थी। वे सादगी, सच्चाई और ईमानदारी की मूर्त थे। संघर्ष उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा, जो 1942 में शुरू हुआ, जब भारत भर में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सरमौर रियासत में भी आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर परमार के प्रयत्नों से ही हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त द्वारा शासित राज्य बना, फिर सी श्रेणी राज्य बना और फिर केंद्र शासित राज्य, फिर असेंबली की बहाली हुई। उसके बाद प्रदेश का और विस्तार हुआ, इसे पूर्ण राजत्व का दर्जा मिला। हिमाचल के जनमानस को डॉक्टर परमार ने करीब से पहचाना था। उन्होंने देश की आजादी से पूर्व प्रजामंडल आंदोलन की अगुवाई की। वे आजादी से पूर्व और उसके बाद भी वर्तमान हिमाचल को विशाल रूप देने के लिए कार्य करते रहे। 4 अगस्त 1906 को सरमौर रियासत के चनहालग गांव में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया यशवंत सिंह। पिता सरमौर रियासत के उच्चाधिकारी थे। प्रारंभिक शिक्षा नाहन में हुई। यहाँ के रमणीय वातावरण में बहुमुखी प्रतिभा का विकास हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर वे लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। लखनऊ के केनिंग महाविद्यालय से समाज विज्ञान में एमए के अलावा एलएलबी की परीक्षा पास कर सरमौर रियासत लौटे। फिर रियासत में मजिस्ट्रेट बने, सेशन जज के पद पर भी रहे। डॉक्टर परमार ने हिमाचल में प्रचलित बहुपति प्रथा के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर पॉलिएंड्री इन हिमालयाज विषय पर शोध पत्र लिखा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें इस शोध प्रबंध के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। डॉक्टर परमार हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। उनका कहना था कि पर्वतीय क्षेत्रों की भाषाई, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक समस्याएं ऐसी हैं कि इनकी प्रगति अलग राज्य के रूप में ही हो सकती है। 1950 में प्रदेश को देश का भाग ग राज्य बनाया गया। डॉक्टर परमार 1952 में विधानसभा भाग ग राज्य, 1962 में टेरिटोरियल काउंसिल, 1967 में दूसरी विधानसभा, 1972 में तीसरी विधानसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर परमार 1957 में महासू संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। डॉक्टर परमार 1952 में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। पूर्ण राज्यत्व की घोषणा का समाचार पाकर प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। जन जन के प्रिय डॉक्टर परमार के स्वागत में जनता घरों से बाहर आ गई। ढोल नगाड़े पारंपरिक वाद्य यंत्रों संग खुशी में झूमते गाते नाचते हिमाचलवासी। डॉक्टर परमार के नेतृत्व में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के कर्मठ लोगों की साधना पूरी हुई। हिमाचल प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। प्रदेश का पूरा दर्जा मिलने से राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी उसके ऊपर है उसको पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। मेरा मन इससे बहुत प्रसन्न हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जो सपना हम लोगों का था वो साकार हुआ। लोगों की जो अभिलाषाएँ थी वो पूरी हुई और तरक्की के लिए, बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए जो रास्ता खुलना चाहिए था वो इसके ज़रिए खुल गया। हमको अपनी मेहनत से ये दिखाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल तरीन सूबा ये बन सकता है। और जो हमारे साधन हैं बिजली पैदा करने के,
जंगलों के लगाने के, जंगलों से आय पूरी करने के, और उद्योग जो छोटे और बड़े जिनके जरिए इस कदर दौलत हिमाचल प्रदेश में आ सकती है कि जिसका हिसाब नहीं, अंदाजा लोग नहीं लगा सकते, उसके लिए मिल के सब लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। योजनाओं में जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए प्रदेश के हालात के मुताबिक, उनको देने में मदद मिलेगी और इसलिए जो विकास की गति है वो तीव्र हो सकेगी, और जो आय के साधन हैं बिजली आदि पैदा करने के, उनमें से बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बिजली अकेले से ही 85 लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है, जिससे 260 करोड़ रुपया साल की आय हो सकती है। डॉक्टर परमार ने हिमाचल की आबोहवा के अनुरूप यहाँ बागवानी को विस्तृत फलक प्रदान किया। आज सेब से लदे बागीचे, नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं, गांव-गांव तक सड़कों का जाल, ज्ञान का अलख जगाते शिक्षा के मंदिर, ये कृतज्ञ होकर डॉक्टर परमार को जीवंत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वर्ष 1948 में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बागवानी उत्पादन केवल 1200 मीट्रिक टन, 331 शिक्षण संस्थान, 88 स्वास्थ्य संस्थान, मात्र 9 पशु चिकित्सा संस्थान, 228 किलोमीटर सड़कें, केवल 6 विद्युतीकृत गांव, 300 गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा, साक्षरता दर मात्र 4.8% और प्रति व्यक्ति आय केवल 240 रुपए। आज तस्वीर बदल गई है। प्रदेश में 15,553 शिक्षण संस्थान, साक्षरता दर 82.80%, 100% गांवों में बिजली और पेयजल, 97% से अधिक पंचायतों में सड़कों का जाल, 4,320 स्वास्थ्य संस्थान और प्रति व्यक्ति आय 1,95,255 रुपए हो गई है। सही अर्थों में एक संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानी से लेकर एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री पद तक डॉक्टर परमार की लंबी और अथक यात्रा यथार्थ में हिमाचल प्रदेश का गौरवमय इतिहास है। डॉक्टर परमार बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, कुशल प्रशासक व राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता एवं विधिवेता थे। उन्होंने आदर्श विधायी परंपरा के उदाहरण प्रस्तुत किए, 8 पुस्तकें भी लिखी। डॉक्टर परमार 24 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956, 1 जुलाई 1963 से 13 मार्च 1967, 14 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972 तथा 15 मार्च 1972 से 27 जनवरी 1977 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर परमार एक व्यक्ति नहीं अपितु संस्था थे। उनमें जनजन को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने देश को हिमाचल की विशुद्ध पहाड़ी संस्कृति से रूबरू करवाया। डॉक्टर परमार को सिरमौरी नाटी, पहाड़ी भाषा, लोकगीतों, लोकगाथाओं, पहाड़ी वेशभूषा, खानपान, बोलचाल और सादे व्यवहार से गहरा लगाव था। उनका झूमता हुआ ऊनी लोया और गर्म चूड़ीदार पायजामा उनके व्यक्तित्व को समृद्ध पहाड़ी संस्कृति में समावेशित कर देता था। 2 मई 1981, नियति के गरुड़ हाथों ने डॉक्टर परमार को हमसे छीन लिया। वे हमारे लिए छूट गए जीवंत सशक्त हिमाचल। आज प्रदेश अपने कर्मठ, दूरदर्शी और हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की रहनुमाई में डॉक्टर परमार के सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर हिमाचल बनने के लिए निरंतर गतिमान है। हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से हिमाचल निर्माता को विनम्र श्रद्धांजलि।